एक डेगची में आपने पानी डालना है, पानी जब बॉयल हो जाए तो उसमें आपने चावल डालने हैं, जितने चावल आपने लिए हैं उस हिसाब से पानी आपके डेगचे में होना चाहिए। डालने के बाद अब उसको रखेंगे, वो बॉयल हो जाएगी चावल, तब तक आपने फ्राई पैन में एक लेना है अंडा लेना है, अंडे को छोटे छोटे पीसेस में काटें, देन उसके बाद आपने एक फ्राई पैन लेना है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। डालने के बाद आपने गाजर लेने हैं जिनको आपने बारीक बारीक काटा हुआ हो, गाजर लेने के बाद उनको थोड़ा सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आपने ग्रीन सब्ज प्याज जो होती है वो लेनी है, लेने के बाद उसको भी हल्की आंच पर फ्राई होने दे। देन उसके बाद गोभी लेनी है, गोभी को भी आपने कढ़ाई में डालना है और हल्की आंच पर सब्जियों को मिक्स करके आपने थोड़ा सा फ्राई होने देना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने हसबे जायका थोड़ी सी नमक लेनी है, आप खुद देखिए अगर टेस्ट करके अपने हिसाब से डालें। उसके बाद आपने सोया सॉस लेना है, वो भी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद आपने विनेगर लेना है, सिरका, सिरका को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फिर खट्टा टेस्ट आएगा, इसलिए बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा आपने डालना है। डालने के बाद आपने क्या करना है, चाइनीज़ नमक जिसको हम चाइना सॉल्ट भी कहते हैं, चाइना सॉल्ट लेनी है, वो भी आपने डालनी है सब्जियों में। सब्जियों को मिक्स करें और फिर डेगचे में देखें कि पानी जो है जज्ब हो गया है, चावल अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं। अगर चावल अच्छे से बॉईल हुए हैं देन आपने सारी सब्जियों को जो आपने फ्राई किए थे वो चावल के अंदर डालने हैं, डेगचे में डालने हैं, अंडा भी आपने डालना है। डालने के बाद इन सबको आपने फ्राई मिक्स करना है। मैंने चावल एक डेगचे पे डेगचे के अंदर जो चावल थे उसमें सब्जियाँ मिक्स कर दी थी, उसके बाद मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी। ग्रीन चटनी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मेरे चावल का जो रिज़ल्ट है, जो मैंने एक फ्राइड राइस बनाए थे वो कुछ इस तरह से बने थे, और साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी और जायका भी बहुत अच्छा आया था और चटनी भी हमारी बहुत अच्छी बनी थी। हमने फ्राइड राइस की तो रेसिपी देख ली, लेकिन अगर आपको चटनी बनाने का तरीका भी देखना है तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।